पहले टेस्ट में अश्विन को ना खिलाने पर गावस्कर हुए हैरान। कह दी ये बात। वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्ट में टीम इंडिया के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। इस मैच में विराट कोहली ने जो टीम चुनी है उसी पर काफी लोगों को ताजुब हुआ है। इस मैच में ना तो टीम इंडिया प्रबंधन ने रोहित शर्मा को जगह दी है और ना ही रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। खास बात ये है कि ये दोनों ही खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की बड़ी हस्तियों में शुमार है। रोहित यहाँ वनडे क्रिकेट में दुनिया के महान बल्लेबाज है, तो वहीं अश्विन का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बेजोड़ है। ऐसे में अश्विन को टीम में ना पाकर सुनील गावस्कर को गुस्सा आ गया है। गावस्कर ने टीम प्रबंधन के इस चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह प्लेइंग 11 को देखकर आश्चर्यचकित हैं। गावस्कर ने अश्विन के लिए कहा, एक खिलाड़ी का वेस्टइंडीज के खिलाफ इतना शानदार रिकॉर्ड है, उसके बाद भी वह प्लेइंग 11 में नहीं है, ये हैरान करने वाली बात है। बता दें कि अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 11 टेस्ट मैचों में 40.18 के औसत से 552 रन बनाने के अलावा 21.85 के औसत से 60 विकेट भी लिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच एंटीगा में खेले जा रहे टेस्ट के पहले दिन के हीरो अजिंक्य रहाणे साबित हुए। विंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए ये सही साबित हुआ। भारत ने 33.2 ओवर में 93 रनों पर 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया। भारत को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में अजिंक्य रहाणे ने संकट मोचन की भूमिका निभाई। रहाणे ने गेंदबाजों की मददगार परिस्थितियों के बीच शानदार धैर्य का परिचय देते हुए 163 गेंदों का सामना किया और 10 चौके लगाकर 81 रनों की पारी की। टीम इंडिया ने दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 203 रन बना लिए थे। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।